अगर मन में किसी मंजिल को पाने के संकल्प और जज्बा हो तो यकीन मानिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती है। अपनी मेहनत के दम पर अपने आसपास के अनगिनत लोगों ने सफलता हासिल की है और हर साल इस देश में करोड़ों की संख्या में युवा अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। इनमें लाखों की संख्या में युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से हर साल सैकड़ों की संख्या में अपना सपना साकार करते हैं और परीक्षा को पास करते हैं। हालांकि सभी के लिए सफलता आसान नहीं होती है, कईयों को इसके लिए भारी मेहनत करनी होती है। तो ऐसे ही सफल उम्मीदवारों की कहानी लेकर आए हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आज की वीडियो में हम IAS श्री धन्या सुरेश की संघर्ष भरी कहानी के बारे में जानेंगे। बस आप सब वीडियो में अंत तक बने रहे। श्री धन्या सुरेश केरल के वायनाड जिले की रहने वाली है और यह क्षेत्र काफी मामलों में पिछड़ा हुआ है। श्री धन्या के परिवार में उनके माता पिता के अलावा तीन भाई बहन भी हैं। श्री धन्या आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और बाजार में सामान बेचा करते थे। वही उनकी माँ भी मनरेगा के तहत मजदूरी का काम किया करती थी। श्री धन्या का पालन पोषण बचपन से ही काफी अभाव में हुआ था और श्री धन्या की स्कूली शिक्षा भी सरकारी स्कूल से ही पूरी हुई है। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई टी जोसेफ कॉलेज से जियोलॉजी से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद उन्होंने कालीकट यूनिवर्सिटी से स्नातक कोर किया। स्नातक कोर श्री धन्या ने राज्य के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में क्लार्क के रूप में भी काम किया है। फिर श्री धन्या सुरेश ने साल 2016 और 17 में यूपीएससी की परीक्षा दी। हालांकि दोनों में ही उन्हें विफलता ही हाथ लगी, लेकिन उन्होंने यहां हिम्मत नहीं हारी। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और 410वीं रैंक प्राप्त करके एक IAS ऑफिसर बन कर दिखाई और इसके साथ साथ पूरे समाज का नाम भी रोशन किया। और आप सबको बता दें कि श्री धन्या के आर्थिक हालात इतनी खराब थी कि उनके पास इंटरव्यू में जाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दोस्तों ने पैसे इकट्ठा करके श्री धन्या की मदद की। फिर श्री धन्या ने केरल की पहली आदिवासी IAS बनने की उपाधि हासिल की। सो दोस्तों, श्री धन्या की यह कहानी हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की तरह है और इस कहानी का सारांश यह है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, वे दृढ़ संकल्प और मेहनत के सामने हार ही जाती है और सफलता मिलकर रहती है।